एक उदाहरण देख रहे हैं हम। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप काउंट करते चले जाओ, इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अच्छा, यहां पर हमें लिखा है कि 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये चेक करना है। तो चेक करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है? आप n का मान 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो और हल करते जाओ। देखो कि इकाई स्थान पे शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं n का मान 1 रखूं तो 4 की पावर 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4। अगर n का मान 2 रखूं तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। n की पावर 3 रखूं तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका? 64। अगर मैं n की पावर 4 रखूं तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। ऐसे अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूं तो 4 की पावर 5 24 इतना आ रहा है। अब आप इन सभी चीजों को देखें कि आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है? 4 या 6? 4 6 4 6 4 6 4 6 इसका मतलब n का कोई भी मान रखें आप, आपको इकाई स्थान पर या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा, शून्य नहीं मिल सकता है। ये तो एक तरीका हो गया हमें सॉल्व करने का, लेकिन दिखाएंगे कैसे। अच्छा, अब एक चीज और समझ लें, जीरो पे समाप्त हो सकती है कहा है कि यह संख्या जीरो पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसका मतलब है क्या? जैसे ये देखो, ये क्या है? 20। इसमें ये जो संख्या है कहां पर समाप्त हो रही है? शून्य पर। मतलब इकाई स्थान पर क्या है? शून्य है। अच्छा, ये जो संख्या है कहां पर समाप्त हो रही है? शून्य पर, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? शून्य है। अच्छा, ये जो संख्या है कहां पर समाप्त हो रही है? शून्य पर, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? शून्य। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं। तो जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, या फिर जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर शून्य है, वो हमेशा 10 से भाज्य होती हैं। मतलब इसको 10 से भाग किया जा सकता है, इसको भी 10 से भाग किया जा सकता है, इसको भी 10 से भाग किया जा सकता है। उन सभी संख्याओं को 10 से भाग कर सकते हैं जिनके इकाई स्थान पर क्या हो? 10 हो, या फिर जो शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक चीज, तो अगर कोई संख्या 10 से भाग की जा सकती है तो आप याद रखिए, वो संख्या 2 से भी और 5 से भी भाग की जा सकती है। आप यही एग्जांपल देख लें, ये 20 है तो ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 दशम, 5 से भाग हो जाएगा, 5 चक्को 20। इसलिए जो संख्या 10 से भाग हो सकती है, वो संख्या 2 और 5 से भी भाग की जा सकती है। ये चीज आप याद रखें इसमें। अब आते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 4n का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 4n बराबर, 4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि कोई भी संख्या जिसको जीरो पर समाप्त होना है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 4n यहां पर दिख रहा है 4n। अच्छा, जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अगर इसके अंदर 5 भी होता तो उसके बाद तुम n का कोई भी मान रखते तो वो हमेशा कहां पर समाप्त होता? 0 पर। तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि 4n 0 पर समाप्त हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि किसी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तब वह संख्या के पास 2 तथा 5 अभाज्य गुणनखंड
होने चाहिए जो कि फोर एन के पास नहीं है, नहीं है। अतः फोर की पावर एन कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फोर एन वाला हो गया। अगर इसकी जगह आपका सिक्स एन हो जाए, या फिर इसकी जगह एट एन हो जाए, या इसकी जगह आपका ट्वेल्व एन हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं? करने का तरीका यही होगा, पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, जैसा कि हमने फोर एन किया, तो करने के बाद उसके अंदर दो और पांच होने चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच दोनों होने चाहिए। जब ये दोनों होंगे तभी वो शून्य पे समाप्त होगा, पर यहां पर तो सिर्फ दो है, पांच है नहीं, इसीलिए हमने लिखा कि संख्या को अगर जीरो पर समाप्त होना है तब वह संख्या के पास दो तथा पांच अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, जो कि फोर एन के पास नहीं है, अतः फोर एन कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सिद्ध कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसमें प्राकृत संख्या का मतलब है कि n का जो मान है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे कुछ भी हो सकता है, ये n का मान कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं किसमें 6n पर, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा 6। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं किस पे 6 की पावर n पर, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अगर मैं n की पावर 3 रखता हूं तो 6 की पावर n कितना बदल जाएगा, हम n की जगह रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 है 216। ऐसे अगर n की पावर में 4 रखूं तो 6n इक्वल टू 6 की पावर 4 बराबर 36 3, ये हो जाएगा 1296। आप ये देखें इनके इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 6 6 6, इसका मतलब n की पावर 5 भी रखेंगे तो भी 6 की पावर 5 के इकाई स्थान पर 6 आएगा, n की पावर 6 रखेंगे तो भी 6 की पावर 6 के इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। तो मतलब हर बार आपको इकाई स्थान पर 6 ही मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा है कि 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है n की कोई वैल्यू रखने पर इकाई स्थान पर 0 आ जाए, ये मतलब है। मतलब अगर मैंने लिखा है 40 तो इसके इकाई स्थान पर क्या है 0। अगर मैं लिखता हूं 140 इसके इकाई स्थान पर क्या है 0। अगर मैं लिखता हूं 170 इसके इकाई स्थान पर क्या है 0। अगर मैं लिखता हूं 210 इसके इकाई स्थान पर क्या है 0। ये सभी संख्या कहां पर अंत हो रहा है, इन सभी संख्याओं का शून्य पर, ये मतलब है कहने का। तो हमने ही देख लिया n की कोई भी वैल्यू रखने पर इकाई स्थान पर शून्य नहीं आ रहा है। तो अगर कोई संख्या जिसके इकाई स्थान पर शून्य आ जाए, या फिर जिसका अंत इकाई स्थान पर हो, वो 10 से भाज्य होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और जो संख्या 10 से भाज्य हो सकती है वो 2 और 5 दोनों से भी भाज्य होगी, ये चीज ध्यान रखें। किसी एक संख्या के इकाई स्थान पर 0 अगर आना है तो उस संख्या को 2 और 5 दोनों से भाज्य होना ही पड़ेगा। तो अब हम करने की कोशिश करते हैं 6n के लिए। अब हम 6n के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 6n को कैसे लिख सकते हैं, 6 का मतलब क्या होता है 2 3 6, और n का n ही रखा, हम n की यहां वैल्यू पुट नहीं करेंगे, n का कोई मान अभी देंगे नहीं, क्योंकि n का मान देने पर फिर हमें बहुत सारे स्टेप करने पड़ जाएंगे, वो हम अपने मैंने समझा दिया आपको। अब इसमें देखें, जब मैंने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो मेरे पास आया 2 गुणा 3, क्या इसमें 5 है, नहीं है। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों हो तो ही उसमें n की अलग अलग वैल्यूज रखने पर वो पूरा आंसर में इकाई स्थान पर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहां पर 6n इक्वल टू 2 गुणा 3 है,
अब पांच है नहीं, इसका मतलब इसका अभी भी अंत शून्य पर नहीं होगा, मतलब एन की अलग अलग वैल्यू रखने पे इकाई स्थान पर आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे चूंकि सिक्स एन के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच, दो और पांच चूंकि सिक्स एन के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच दोनों होने चाहिए चाहिए, पर पांच अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः सिक्स एन कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहां पर समाप्त होगा।